बांग्लादेश में नौकरी में रिजर्वेशन खत्म करने और पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसा एक बार फिर से भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को हिंसा में 14 पुलिस कर्मियों समेत करीब 100 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को कट्टरपंथियों ने हिंदुओं और मंदिरों पर हमले के मौके के तौर पर भी देखा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्कॉन और काली मंदिरों समेत हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, इस वजह से श्रद्धालुओं को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में एक हिंदू की भी मौत हुई है। इस बीच भारत ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को यात्रा से बचने को कहा। वहीं आर्मी चीफ ने कहा कि अब सेना की तरफ से फायरिंग नहीं होगी। हिंसा के चलते अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी और अनिश्चित काल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर हुए बवाल को लेकर सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी रविवार को स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रोथोम अलो अखबार ने अपनी खबर में बताया कि इस आंदोलन के दौरान देश भर में हुई झड़पों, गोलीबारी और जवाबी हमलों में कम से कम 100 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक देश भर में 14 पुलिस कर्मियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 13 सिराजगंज के इनायतपुर थाने के थे। प्रोथोम अलो अखबार के मुताबिक कोमिला के इलियटगंज में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 300 से ज्यादा पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और उनके नेताओं के आवासों पर हमला किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच गृह मंत्रालय ने रविवार शाम 6 बजे से देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। इसके साथ ही सरकारी एजेंसियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मंच, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बंद करने का भी आदेश दे दिया। इसके साथ ही मोबाइल कंपनियों को 4G इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में भड़की हिंसा को लेकर सेना प्रमुख ने कहा कि अब आर्मी की तरफ से गोलीबारी नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर सत्ता परिवर्तन गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ होता तो बांग्लादेश केन्या जैसा बन जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि इन आतंकियों से सख्ती से निपटा जाए। पीएमओ के सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेख हसीना ने गढ़भवन में सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाई। बैठक में सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस रैपिड एक्शन बटालियन, बांग्लादेश सीमा गार्ड के प्रमुखों और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बीच देश भर में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिवसीय सामान्य अवकाश का ऐलान किया है। अखबार ने बताया कि नरसिंहगढ़ी में सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में आवामी लीग के 6 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार दिया गया और कई लोग घायल हो गए। राजधानी में प्रदर्शनकारी ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 4 लोगों के शव अपने साथ ले गए। खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारी चारों शवों को लेकर सेंट्रल शहीद मीनार पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के चलते ढाका की ज्यादातर दुकानें और मॉल बंद रहे और इस दौरान छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।